हेलो एवरीवन, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू टेक केयर ऑफ न्यू पपी फ्रॉम डे वन। तो आपको फर्स्ट डे से कैसे पपी की केयर लेनी है, मैं आपको ये आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में। और पपी को क्या खिलाना चाहिए, फर्स्ट डे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बताने वाली हूँ। सो गाइज, जब आप सबसे पहले जब आप न्यू बॉर्न पपी लाते हैं आपके घर में, तो वो 45 to 60 डेज़ का होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि तब तक जो बच्चा है, बेबी है, वो मम्मी का दूध पीता है, उनके मॉम का दूध रहता है, मदर मिल्क, वो इम्पोर्टेंट रहता है उनके लिए। तो उससे छोटा वाला जो बेबी अगर आप लाएंगे तो उसे आगे जाके हेल्थ इशू हो सकते हैं, इसलिए उससे छोटा ना लीजिए, 45 to 60 डेज़ का ही लीजिए। तो जब आप उसे लाते हैं तो आप उसे ट्रैवल करके लाते हैं, कोई कोई लोग बहुत दूर से लाते हैं, कोई कोई डॉग शॉप से ही ला लेता है। तो डिफरेंस है इस बात में, जब आप उसे ट्रैवलिंग करके लाएँ ना, तो सबसे पहले आप अपने घर में जो है अरेंजमेंट करके रखें, उसके लिए जो भी आप घर ले रहे हैं या फिर घर बना रहे हैं, आप अगर बाहर रखते हैं तो कुछ घर बनाएंगे उनके लिए, या फिर आप उन्हें अगर घर के अंदर रखते हैं तो आप उनके लिए उनका बेड जो रहता है वो ला सकते हैं, टॉयज जो रहते हैं वो ला सकते हैं, चिविंग टॉयज आते हैं पपीज़ के लिए, डॉग्स के लिए, तो आप वो भी ला सकते हैं। तो जब भी आप उन्हें लेके आए घर में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें 20 मिनट्स तक ना आप उन्हें कुछ खिलाए ना कुछ पिलाए, आप उन्हें ऐसे ही घर घूमने दे, एक्सप्लोर करने दे घर की चीज़ें, क्योंकि वो न्यू रहता है तो उसे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता तभी, इसलिए। सो गाइज, आपको तब तक उसे कुछ नहीं देना है, उसके बाद आप उसे पानी दे दीजिए 20 मिनट्स के बाद, और उसके बाद आप उसे 1 आवर के बाद सेरेलैक्स दे सकते हैं। ये ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए, मिडिल फॉर्म में, जैसे क्रीमी फॉर्म होता है ना, उस टाइप में होना चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ ब्रांड्स की पिक्चर्स डाल दूँगी जिससे आप बाय कर सकते हैं इनमें का कोई भी ब्रांड का सेरेलैक्स के भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं। उसके बाद आप उसे जो है डॉग फूड दीजिए। उसके बाद में आपको कैसे रूटीन फॉलो करना है, अगर आपने मॉर्निंग में सेरेलैक्स दे दिया है तो उसके बाद आप उसे बाद में लंच के लिए आप उसे ये देंगे, पेडिग्री का डॉग फूड या NND का स्टार्टर देंगे। उसके बाद आप उसे स्नैक के तौर पर कर्ड दे सकते हैं, मिडल स्नैक के तौर पर। उसके बाद आप उसे रात को फिर से आप डॉग फूड या फिर सेरेलैक्स दे सकते हैं, मीन्स 4 टाइम मील्स रहता है उनका, तो 4 टाइम आपको उनको खाना देना पड़ता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, सवेरे सेरेलैक्स, डॉग फूड, फिर से फिर आप कर्ड या फिर डॉग फूड, ऐसे दे सकते हैं। उसके बाद जो है आपको डॉक्टर के पास लेके जाना होगा आपके डॉग को, हेल्थ चेकअप भी बहुत ज़रूरी होता है उनका। सेकेंड डे आप उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाए और डॉक्टर से पूछ लीजिए कि उन्हें कौन से विटामिन, मल्टी विटामिन देंगे वो, मतलब वो खुद से लिख के देंगे आपको कि कौन से मल्टी विटामिन विटामिन देने हैं, कौन से सिरप देने हैं। बहुत सारे सिरप मिलते हैं गाइस, मतलब डॉक्टर लिख के देते हैं कि अच्छी ग्रोथ के लिए और लॉन्ग हेयर्स के लिए और हेल्थ के लिए भी बहुत सारे मेडिसिन रहते हैं, मतलब डॉक्टर वो बताएंगे आपको। और उन्हें डॉग का जो है डाइट चार्ट भी पूछ लीजिए, वो भी वो लिख के देंगे। सो थैंक यू गाइज, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन दूंगी इसके बारे में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।